तो भाई लोग, आज वाला जो एनिमे है, जिसका नाम आप लोग टाइटल में देखकर तो समझ ही गए होंगे, ये एनिमे के बारे में आई गेस कितनों को पता ज़रूर होगा, बट उन्होंने देखा नहीं होगा, क्योंकि कोई इस एनिमे के बारे में बुरा बोलता है तो कोई अच्छा। इसी कारण कितने को इसका एक्सपोजर मिला ही नहीं है, और अभी वाली जो न्यू एनिमे की इंडियन ऑडियंस है, उन्हें तो पता ही नहीं होगा इस एनिमे के बारे में। तो जो भी लोग अच्छे एनिमे देखना चाहते हैं और ढूंढ रहे अभी भी, तो आज तुम्हारी तलाश ख़त्म होती है यहाँ, क्योंकि मैं आपको इस एनिमे के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए। ये है तो एक फैंटेसी और मैजिकल एनिमे, बट स्टोरी बहुत अच्छी है। तो देखो गाइस, जो भी लोग जानना चाहते हैं इस एनिमे के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इस एनिमे का प्लॉट ये है कि इसमें दो लड़कियां हैं जिनका नाम है सिस्टीन और रूमिया। सिस्टीन बहुत अमीर घराने से है और रूमिया उसके घर में रह रही होती है। इसका भी एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप एनिमे में देखना। अब सिस्टीन और रूमिया दोनों मैजिकल अकेडमी में प्रोफेशनल मैजिशियन बनने के लिए पढ़ रहे होते हैं। अब सिस्टीन का एक गोल होता है कि उसे पावरफुल मैजिशियन बनना है। उसे पावरफुल मैजिशियन इसलिए बनना है बिकॉज उसे रहस्यमय स्काई कासल को ढूंढकर उसके सीक्रेट्स जानना है, क्योंकि ये उसके ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी। उसके ग्रैंडफादर आखिर तक स्काई कासल के राज नहीं जान पाए। अब सिस्टीन उनकी ये विश को पूरा करेगी। अब यही सब करने के लिए उसे प्रोफेशनल मैजिशियन तो बनना है, अब हर चीज़ तो आसान होती नहीं है। इसीलिए कहानी में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आता है उनके मैजिक एकेडमी में उन्हें पढ़ाने के लिए। ये टीचर इतना आलसी और ठरकीबाज होता है कि पढ़ाना तो दूर की बात, ये क्लास में आकर सो जाता है, या तो बोलता है तुम लोग खुद पढ़ो, मुझे परवाह नहीं है। एकदम आलसी टीचर है ये। टीचर को एकदम कमज़ोर और क्लमजी मैजिशियन दिखाया है। अब क्या सिस्टीन इस टीचर के टीचिंग से क्या प्रोफेशनल बन पाएगी, यह आपको एनिमे में ही देखना होगा। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, बट इसके आगे का टोटल स्पॉइलर होगा। आई थिंक इसका प्लॉट सुनकर तुम्हें इंटरेस्ट तो आया ही होगा, क्योंकि जब आप इसे देखोगे, कब आप इसे एंड कर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एनिमे की सबसे पहले नॉवल आई जो जापान में काफ़ी मशहूर हुई, उसके बाद जाके इसकी मांगा बनी जो अब तक ऑनगोइंग चल रही है। इस एनिमे का एक ही सीज़न है, वो भी 12 एपिसोड का, जो बहुत कम है इसके लिए यार। इसका सीज़न 2 अब तक आया नहीं है, जिसका वेट मैं बरसों से कर रहा हूँ, बट उम्मीद है कि सीज़न 2 जल्दी आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई वेबसाइट्स बंद हो गई है तो कहाँ से देखें, तो ये एनिमे तुम लोग नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो लीगली, ये वहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी बेहतरीन एनिमे है जिसमें आप कैरेक्टर से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, और टीचर तो यार काफ़ी फनी कैरेक्टर है, वही इस एनिमे की जान है सच बोलो तो। इसका पहला एपिसोड देखकर ही आप बोलोगे कि फाइनली अच्छा आपको कुछ देखने मिल रहा है। इसके 12 एपिसोड ऐसे लगेगा कि 3-4 घंटे की कोई मूवी देख रहे, और कब एंड हो जाएगा नहीं पता चलेगा, काफ़ी हुक्ड हो जाओगे आप। अब दोस्तों, इसमें पावर्स की हम बात करें तो वही जो हर मैजिक एनिमे में होता है, जो उन लोग स्पेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें पावर्स में नया कुछ नहीं है, हमने बहुत बार देखा है। ये एनिमे के अंदर दोस्ती के बारे में बताया है, फैमिली रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। इसमें बोर आपको होगा नहीं, एपिसोड सारे फास्ट पेस है और एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, मतलब बहुत मज़ा मिलेगा, और काफ़ी कॉमेडी भी है इसमें। अब दोस्तों, इसका बैकग्राउंड साउंड की बात करें तो वो तो ओके ओके है, ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग तो काफ़ी बढ़िया है, तो वो स्किप मत करना। और एनिमेशन भी ओवरऑल अच्छा है, फाइट सीन्स में तो यार एनिमेशन बहुत गजब लगता है। तो गाइस, इस एनिमे को तो आप ज़रूर देखना। कोई भी बोले कि मुझे तो यार फालतू लगा, तो उसकी मत सुनना, आप खुद देखना और डिसाइड करना कि ये दूसरों को रेकमेंड करना चाहिए या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गोज़ाइमासु।